वालेकुम यूएस, आज हम सीखेंगे चाक को अंदर की साइड मोड़ना और यहाँ से कभी कभी नोक निकल जाती है, ठीक से सिलाई नहीं हो पाती। आज मैं आपको दिखाऊंगी, अगर इस तरीके से आप अंदर की साइड चाक को मोड़ोगे कमीज़ की तो ये नोक कभी नहीं निकलेगी बाहर। हमने क्या करना है, ये जो दामन है हमारा, ये देखिए, ये हमारे शर्ट का चाक है और ये जो है ये यहाँ से दामन है शर्ट का। और शर्ट के दामन को हमने इस तरीके से अंदर की साइड मोड़ना है, ठीक है। और हमें इसको ऐसे करके मोड़ेंगे, बस पहले हमें ये कर लेना है, इसके बाद हमें इसकी नोक को अच्छे से निकाल लेना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपने जितना अंदर मोड़ना है आप मोड़ सकते हो, अगर 2 इंच मोड़ना चाहते हो, अगर 3 इंच मोड़ना चाहते हो, ये देखिए। और इसी तरीके से हम यहाँ से भी इसको ऐसे करके यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इन नोक को हम अच्छे से निकाल देंगे बाहर, ये देखिए। हमने इसको सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद आप चाहें तो इसे प्रेस कर दें। फिर हम यहाँ से चाक से सिलाई इसकी शुरू करेंगे। तरीके से हमने और इधर से हम दामन को मोड़ेंगे, इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। Thank you.
ये हमने इसकी सिलाई लगा दी है। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं यहाँ से इसकी नोक देखें, यहाँ से कहीं से ऊपर नीचे नहीं हो रहा। ये देखो, ये देखिए, ट्राई करके देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, और अपनी दुआ में हर किसी को शामिल किया करें, मुझे भी शामिल किया करें।